सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईटीआई प्रिपरेशन से ही रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूं, क्योंकि कल जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था वो आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बताया था कि आप कहां से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक्स कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके आप कैसे पढ़ सकते हैं, उसको आप मोबाइल पर भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, आज आप मोबाइल पे अगर आपने पिछले क्वेश्चन बैंक्स को पढ़ लिया है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मॉक टेस्ट अपना कैसे दे सकते हैं, वो भी मोबाइल पे है, कौन सा ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, क्या क्या प्रक्रिया है, चैप्टर वाइज आता है, मॉड्यूल वाइज आता है, सिलेबस वाइज आता है, सेमेस्टर वाइज आता है, या आपको ईयरली वाइज आपको कैसे उसमें मॉक टेस्ट अपना देना है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का जो वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको भारत स्किल की वेबसाइट पे जाके अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना है, उसमें पूरी बुक्स भी मिलेंगी आपको, क्वेश्चन बैंक्स भी मिलेंगी जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यदि आपने उसको एक बार पढ़ लिया है, आपको लगता है कि मैंने कुछ उसमें से लर्न कर लिया है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा मोबाइल ऐप है। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है प्ले स्टोर में। तो यहाँ हमने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है, तो वहां पे आपको टाइप करना है भारत स्किल। भारत स्किल जैसे ही टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे ओपन लिख के आ रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल करने के लिए आएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद इसको आपको ओपन करना है। तो हम आ जाते हैं, ये हमने इसको ओपन कर लिया, देख लिए यहाँ पे लिखा है कुशल भारत पावर्ड बाई निमी। तो ये निमी का ही प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको भी इसके लिए भी कोई पैसा नहीं देना है। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट यूजर हैं, पहली बार इसमें आ रहे हैं, तो आपको साइनअप नीचे देखिए साइनअप पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है तो सीटीएस स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। साइनअप में आपको अपना नाम भरना है, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आईटीआई का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, किस स्टेट में आपका एडमिशन है, जेंडर क्या है आपका, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये सारे डिटेल भरेंगे। उसके बाद साइनअप पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो है अपना ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर कर दिया है, तो लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं लॉगिन हो जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन किसी काम का नहीं है, बस सीधे आपको चले आना है क्वेश्चन बैंक्स पे, यहाँ पे ओके करना है। जिस भी ट्रेड में आपका एडमिशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से, जो भी आप का ट्रेड है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का बता दे रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिशियन ओपन करके बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में चूज करना है कौन से सेमेस्टर में या कौन से ईयर में आप पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप ईयरली हो गया है, पहले सेमेस्टर सिस्टम था, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट पहले आपको फर्स्ट चूज कर लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद यहाँ मॉड्यूल देख लीजिए किस किस मॉड्यूल के बारे में बताया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप सिंगल वन बाई वन करके भी मॉड्यूल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हर जगह ऑल कर लेंगे। उसके बाद आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास, ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें किसी भी आपको क्वेश्चन को मान लीजिए क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है वन बाई वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया, उसके चार ऑप्शन आ गए। अगर आपने जो मैंने कल वीडियो बनाया था क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर ली है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ व्यू आंसर पे करेंगे तो आपको इसका आंसर बता देगा, आंसर बी, ठीक है। उसके बाद
आप बी सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले क्वेश्चन पे आप चले जाएंगे। इसी तरह से आपका सीवीटी में क्वेश्चंस आएंगे, बस वहां पे आपका व्यू आंसर नहीं होगा, इस तरह वो होगा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे, उसका प्रीवियस और नेक्स्ट का आपके पास टाइम मिल जाएगा। इसी तरह आपको सीबीटी के भी एग्जाम देने हैं, ठीक है। तो जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उसके बाद सेकंड आप चूज करिए, यहाँ पे मॉड्यूल में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, लेवल में भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, लैंग्वेज आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है सेलेक्ट कर लीजिए, सबमिट पे क्लिक करिए, इस तरह से आप आंसर देख के आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जब फाइनली आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे, लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने आंसर आपने सही किए हैं, कितने आंसर गलत किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चारों सेमेस्टर दोनों ईयर्स के क्वेश्चन एक साथ दूं, तो यहाँ पे आल आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसमें से ये मॉड्यूल्स में भी आल सेलेक्ट कर लेना है, लेवल्स आप आल सेलेक्ट कर लेना, लैंग्वेज आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो जो आपके सेमेस्टर हैं या जिस भी ईयर में आप पढ़ रहे हैं वो सेलेक्ट करके अपना तैयारी करिए। आप जैसे आप सेकेंड ईयर में है तो पहले आप थर्ड का दे लीजिए, उसके बाद आप थर्ड कंप्लीट करने के बाद फोर्थ का यहाँ पे दे लीजिए क्वेश्चन, और आप अपना सेल्फ टेस्ट भी ले लेंगे, मॉक टेस्ट हो जाएगा कि भाई आपने कितनी तैयारी की है या नहीं की है, आप कितने पानी में हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, इस माध्यम से भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं।